wars are filled with disgusting lies and even filthier truths. इस दुनिया में जब भी वॉर्स होती है, वॉर्स बहुत ही chaotic, bloody और messy होती है। वॉर फील्ड्स में बहुत ही घिनौने काम किए जाते हैं। कैदियों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे घिनौने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कभी बाहर नहीं आते। और अगर कुछ एक्सपेरिमेंट बाहर आ भी जाते हैं तो उन्हें दुनिया से दबा दिया जाता है। कई लोग उन एक्सपेरिमेंट को खोद कर बाहर निकलते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में शायद सुना भी होगा। इसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना केओटिक, ब्लडी और क्रीपी है, इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 18 ईयर्स से कम हो और अगर आपका दिल कमज़ोर है, यानी अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो, तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही क्रीपी, ब्लडी और मैसी थिंग्स के बारे में होने वाली है। ये कहानी उस समय की है जब सोवियत्स और अमेरिकन्स के बीच वॉर हो रही थी। वॉर के समय दोनों साइड के सोल्जर्स जी जान लगाकर लड़ रहे थे। सोल्जर्स ने अपनी नींद सब त्याग कर दिन रात एक दूसरे को मारने के लिए बैटल फील्ड पर जा रहे थे। सोना किसे पसंद नहीं, सभी को सोना बहुत पसंद है, पर रशिया उस समय एक ऐसी टेक्निक पर काम करने वाला था जिसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं पता था। रशिया चाहता था कि उनके सोल्जर्स बिना थके, बिना सोए अमेरिकन सोल्जर्स को मारते रहे। इसलिए रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान डिसाइड किया और इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वैसे बता दूं, कई सालों तक ये एक्सपेरिमेंट दुनिया से छुपाया गया। बहुत से लोगों को इसके बारे में भनक भी नहीं थी, पर एक दिन अचानक एक अननोन आदमी की तरफ से इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया जाता है। और जब ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आया, पूरे दुनिया के होश उड़ गए। आखिर क्या था ये एक्सपेरिमेंट? आखिर इसमें इतना क्या केओटिक था जिसे सुनने के बाद हर एक आदमी के रोंगटे खड़े हो गए? और आखिर क्यों इस एक्सपेरिमेंट को हिस्ट्री का वर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है? जैसा कि मैंने कहा, रशिया ने फुल टू प्लान कर लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रशियंस 5 प्रिजनर्स को चुनते हैं और उन्हें एक चेंबर में रखा जाता है। एक ऐसा चेंबर जिसमें उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, बुक्स, टॉयलेट्स, सभी सुविधाएं दी जाती है, सिर्फ एक कंडीशन पर, उन्हें सोना नहीं था। उस जगह बेड, टेबल, ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां पर वो सो सके। रशियंस ने उन प्रिजनर्स को ये कहा था कि अगर आप 30 दिनों तक बिना सोए इस प्रिजन में जिंदा रहे तो हम आपको छोड़ देंगे। हालांकि वो ऐसा करने नहीं वाले थे, पर वो उन प्रिजनर्स को ये कह देते हैं और यही से इस केओस की शुरुआत होती है। रशियंस ने उस चेंबर को कुछ इस प्रकार बिल्ड किया था कि वहां पर सिर्फ एक विंडो थी जिसमें वन साइडेड ग्लास लगा था, जिसकी मदद से रशियंस उन प्रिजनर्स पे नजर रख सकते थे। पर यह ग्लास कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि वो सिर्फ एक साइड से ही देखा जाता था, मतलब जहां से रशियंस उन प्रिजनर्स को मॉनिटर करते थे वो अंदर का सब देख पाते थे, वहीं पर जो प्रिजनर्स थे जो उस चेंबर के अंदर कैद थे वो बाहर का कुछ नहीं देख पाते थे। इसी के साथ उन चेंबर में ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल टाइप की गैस मिलाई जाती थी जिसकी मदद से वो कैदी ऑक्सीजन तो ले पाते थे, पर उसी के साथ वो एक टॉक्सिक गैस को भी इनहेल कर रहे थे। रशियंस ने एक ऐसी स्पेशल टाइप की गैस बना ली थी जिसे सूंघने के बाद आदमी सो ही नहीं पाता था। मतलब आप कितने भी थके होंगे, आपको कितनी भी नींद आ रही होगी, अगर आप उस गैस को सूंघ लेते हो तो आपकी नींद पूरी तरीके से उड़ जाएगी। कुछ इस टाइप की गैस रशियंस ने उस चेंबर में मिलाना शुरू कर दिया, तो अब ये ऑब्वियस सी बात थी कि वो जो प्रिजनर्स थे वो सोने नहीं वाले थे। पहले 5 दिनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया, वो नॉर्मल आदमी की तरह ही एक दूसरे से बात करते थे, खुद के लाइफ एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और वो इस बात पे भी डिसीजन करते थे कि वो यहाँ पर कैसे आए, आखिर रशियंस ने उन्हें कैसे पकड़ा। ऐसे नॉर्मल टॉक वो पहले 5 दिनों तक करते गए, पर धीरे धीरे ये नोटिस किया गया कि डे 1 के कंपैरिजन में डे 5 की जो वो उनके बातें थी वो बहुत ही डार्क बातें थी।
एज अपने डे 5 पर वो जो भी बातें करते थे वो अपने लाइफ के सबसे ड्रामेटिक एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगे। वो डे 1 पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीन की तरह बातें कर रहे थे, वहीं पर डे 5 पर वो एक बहुत ही ड्रामेटिक बातें कर रहे थे एक दूसरे से। इसी के साथ पांचवें दिन पर यह देखा गया कि ये जो सभी सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही पैरानॉइड हो चुके थे और वो ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में बहुत ही पैरानॉइड है। इसी के साथ उनकी जो बातें थी वो बहुत ही डिप्रेसिंग होती जा रही थी और पांचवें दिन के एंड तक वो सभी सब्जेक्ट्स चुप हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से भी बात करना बंद कर दिया था। रशियंस उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो माइक्रोफोन्स की मदद से सुना करते थे, पर जैसे ही फिफ्थ डे खत्म होता है वो बातें ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे। तब रशियंस को ये लगा कि शायद वो सभी लोग मर चुके हैं, पर जब रशियंस ने ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर किया तब उन्हें ये पता चला कि वो सभी सब्जेक्ट्स अभी भी जिंदा है और वो ऑक्सीजन ले रहे। ऑक्सीजन लेवल देखने के बाद रशियन सोल्जर्स को ये लगा कि ये सभी जो सब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद वो टॉक्सिक गैस हो सकती है। एंड इट वॉज वेरी पॉसिबल कि उस गैस की वजह से ही वो सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और एक जगह शांत बैठे और उनके बिहेवियर में भी इतना चेंज आ चुका है। पांचवें दिन से लेकर नौवें दिन तक उन पांच में से एक सब्जेक्ट ने सडनली चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अचानक से ही एक रैंडम मोमेंट पर चीखने चिल्लाने लगा और वो इतने कैपेसिटी से चिल्लाने लगा कि उसके जो गले के वोकल कॉर्ड्स थे वो फट गए, लिटरली फट गए। वो सब्जेक्ट करीबन 3 घंटे तक चिल्लाता रहा और 3 घंटे के एंड में उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट, वो इतनी इंटेंसिटी से चिल्लाया होगा कि उसके वोकल कॉर्ड्स तक फट गए। जिस दिन पहले प्रिजनर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था उसके 3 दिन बाद एक और प्रिजनर ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो भी इतने इंटेंसिटी से चिल्लाने लगा कि उसने भी अपने वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर लिया। 3 और दिन बाद जो भी वो रिसर्चर्स थे वो उन माइक्रोफोन्स को चेक कर रहे थे कि कहीं वो माइक्रोफोन्स खराब तो नहीं है और वो उन ऑक्सीजन लेवल्स को भी बार बार चेक कर रहे थे कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं। और उसी के साथ उन्हें ये पता चला कि उन ऑक्सीजन लेवल्स में कोई गड़बड़ी नहीं। और इसी के साथ उन्हें एक और चौंका देने वाली बात ये भी पता चली कि वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स अभी भी अंदर जिंदा थे। 2 सब्जेक्ट्स जिनकी चिल्लाने की वजह से वोकल कॉर्ड्स फट चुके थे वो भी अभी भी जिंदा थे और वो पांचों सब्जेक्ट्स ऑक्सीजन को अभी भी इनहेल कर रहे थे। 14th डे पर रिसर्चर्स ने ये अनाउंस किया कि वो उस चेंबर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट से या किसी भी और हरकत से उन 5 सब्जेक्ट्स पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो अभी भी शांत थे। एक रिसर्चर्स ने ये अनाउंस किया, पर के अंदर आ रहे, अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हो और जब हम एंटर करेंगे चेंबर को तो हम बस माइक्रोफोन्स चेक करेंगे। रिसर्चर्स ने यह कहा कि अगर वो सब्जेक्ट्स उनकी ये बात मान लेते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये अनाउंस कराया गया एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में कहा कि हमें फ्री नहीं होना, हमें नहीं फ्री रहना। और यहाँ से स्टोरी बहुत ही डार्क, क्रीपी और ब्लडी होती जाती है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था और बाद में रशियन इंटेलिजेंस को ये पता चला कि ऐसा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, ऐसा एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। और उसी टाइम ये कमांड दिया जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को इसी वक्त बंद किया जाए और उन सभी सब्जेक्ट्स को आजाद कर दिया जाए। ये ऑर्डर आते ही वो जो रिसर्चर्स थे जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उन्होंने इसे करना बंद कर दिया और उन चेंबर्स के दरवाजे खोल दिए, जिस वजह से जो फ्रेश एयर थी वो उस चेंबर के अंदर चली गई और इसी के साथ उन रिसर्चर्स ने उस टॉक्सिक गैस की सप्लाई को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उस गैस की सप्लाई बंद हो जाती है अंदर के सभी सब्जेक्ट्स ने एक एक साथ बोलना शुरू कर दिया, प्लीज हमारी जान पे बनाएगी, उस गैस को वापस से हमें दे दो, हम मर जाएंगे, हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, प्लीज उस गैस को यहाँ छोड़ दो और हमें ऐसे ही रहने दो। ये डिमांड थी उन सब्जेक्ट्स की। एक तरीके से वो सभी लोग इस गैस के एडिक्ट बन चुके थे और जब उन्होंने इस गैस की रिक्वेस्ट की और जब उन्हें ये गैस प्रोवाइड नहीं करी गई तब उन 5 में से 4 सब्जेक्ट्स ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया, पर अभी भी एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, वो अभी भी पड़ा हुआ था। इसी के साथ ये देखा गया कि वो जो सब्जेक्ट्स थे वो जोरों से चिल्लाने लगे थे, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ चुकी थी। और जब रिसर्चर्स ने अंदर देखा तो वहाँ जो खाना था
उनमें से किसी ने भी उस खाने को टच तक नहीं किया था। उन सभी ने ना ही उस खाने को या वहां के कुछ लिक्विड को पिया था। वो सभी लोग भूखे प्यासे उस चेंबर में सिर्फ पड़े हुए थे। वो जो चिल्लाने वाले चार सब्जेक्ट्स थे, उनको जब अंदर जाके एग्जामिन किया गया, तब ये पता चला कि उनके काफ़ी सारे मसल्स और स्किन के पार्ट फटे हुए थे। वो लोग खुद के ही स्किन को, खुद के ही मांस को खाकर अब तक जिंदा थे। और ध्यान से एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि उन्होंने अपने मांस को अपने दांतों से नहीं बल्कि अपने उंगलियों से ही फाड़ दिया था। और ज़्यादा एग्जामिन करने पर यह पता चला कि डाइजेस्टिव ट्रैक बिल्कुल सही चल रहे थे। वो फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी कर पा रहे थे, लेकिन वो फूड नहीं था, वो उनका खुद का फ्लैश, उनके मसल्स, उनके खुद की स्किन थी जिसे वो खा रहे थे। वो लोग खुद ही को खा रहे थे और खुद ही को डाइजेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट नो वन हैज एनी आइडिया कि आखिर उस गैस में ऐसा क्या था कि वो जो सब्जेक्ट्स थे वो इस लेवल के पागल हो चुके थे। जिस समय उन सब्जेक्ट्स को उस चेंबर से बाहर निकाला जा रहा था, वो बहुत ही स्ट्रांगली रशियन सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे उस चेंबर से निकलते वक्त, क्योंकि उन्हें उस चेंबर से निकलना ही नहीं था, उनको वहीं रहना था, वो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। उनमें से एक को जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तब डॉक्टर ने करीब करीब 10 बार एनेस्थीसिया उस सब्जेक्ट्स को दिया, पर वो सब्जेक्ट फिर भी बेहोश नहीं हुआ। और उस सर्जरी के दौरान उस सब्जेक्ट ने अपने रिब्स को भी तोड़वा लिया और डॉक्टर के हाथ को भी काट दिया। इस समय तक वो सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगे थे। एक और सब्जेक्ट था जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड था, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके ऊपर भी एनेस्थीसिया का कोई परिणाम नहीं हो रहा था। उसके भी अंदर बेहोशी के नामों निशान तक नहीं थे, लेकिन उस सब्जेक्ट्स पर सर्जरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके कई ऑर्गन्स बहुत ही हैविली डैमेज हो चुके थे। अगर उस पर सर्जरी नहीं करते तो उसके डेथ होने के चांसेस बहुत हाई थे। उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना एनेस्थीसिया के उसकी सर्जरी की जाए। इवन दो उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी की जाए, उस पर डॉक्टर्स ने फिर भी ट्राई किया, पर एनेस्थीसिया का उस पर फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। और फाइनली डॉक्टर ने जब उस पर सर्जरी शुरू की, तो वो जो सब्जेक्ट था वो सर्जरी के दौरान बार बार हंसने लगता था। वो डॉक्टर की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल निकालकर हंसने लगता था, जैसे कि उस सब्जेक्ट को उस पेन से मजा आ रहा हो। वो अलग ही दुनिया में खो चुका था। द सब्जेक्ट वॉज लाफिंग जब उसकी सर्जरी चल रही थी। जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सभी लोग कॉन्स्टेंटली गैस के लिए ही डिमांड कर रहे थे। उन्हें वो जो टॉक्सिक गैस थी वो ही चाहिए थी। उनका एक ही एम था, उन्हें सिर्फ जागना है और वो गैस को इनहेल करना है। अब वो सो नहीं सकते थे। एक नर्स ने खुद ने एक्सप्लेन किया कि जब वो सर्जरी चल रही थी, तब वो उनमें से ही एक सब्जेक्ट उस नर्स की तरफ देखकर हंस रहा था। और आई वॉज लाइक व्हाट द सच बता रहा हूँ, जब मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहा था तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज लाइक आई कांट बिलीव दिस कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहां का जो नया जनरल था, उस सब सर्जरीज वगैरह होने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना हम इन सभी सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार उसी गैस के चेंबर्स में डालकर एग्जामिन करें। और उसने इसमें एक बात ऐड की कि उसने कहा कि हम 3 रिसर्चर्स को भी उन सब्जेक्ट्स के साथ उस चेंबर में छोड़ देंगे। और उसने सोचा कि वो उन सभी को फिर से एक बार मॉनिटर करेगा। और ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने अपनी गन निकाली और उस जनरल को पहले तो गोली मारी, और ये करते ही वो साइंटिस्ट सीधे उस चेंबर के अंदर चला गया। और जब उसने अपने सब्जेक्ट्स को अंदर देखा कि वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये भी ह्यूमन से है। वो उनको लिटरली पहचान ही नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज स्क्रीम्ड लाइक मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा पर तुम लोगों के साथ यहां पर नहीं रहूंगा, आखिर तुम लोग हो कौन? और जैसे ही उस साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा, उन सभी सब्जेक्ट्स में से एक ने उसकी तरफ देखकर पहले तो एक स्माइल दी और उसने कहा, वी आर द डीमंस इनसाइड यू, मतलब मैं वो शैतान हूं जो तुम्हारे अंदर है, जिससे तुम घबराते हो, जिसे तुम हमेशा छुपाते हो और बाहर नहीं आने देते हो। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया और उस सब्जेक्ट को गोली मार दी। और जैसे ही उस साइंटिस्ट ने उस सब्जेक्ट के दिल पर गोली मारी, उस सब्जेक्ट के मुंह से लास्ट वर्ड्स थे, फाइनली वी आर फ्री। सो गाइज, दिस वॉज द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में तुम नेट पर और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो और इसके बारे में और डेप्थ में जानकारी ले सकते हो। मैंने इस वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट को लगभग पूरा ही कवर कर चुका हूँ,
पर लेकिन कुछ छोटे छोटे भी ऐसी बातें हैं जिसे मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।